गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल विक्की व्लॉग। तो आज हमारे साथ हैं साकिब भाई और हम लेने वाले हैं R15 M का ओनरशिप रिव्यू। तो आओ स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो साकिब भाई क्या हाल चाल है भाई? बढ़िया, आप बताओ कैसे? बस बढ़िया। पैर ठीक है तुम्हारा? पैर तो ठीक है, पहले से तो ठीक ही है। चलो फिर तो अच्छी बात है। तो भाई आपसे मेरा पहला क्वेश्चन ये है कि आपने यही बाइक क्यों ली? ये बाइक देखो भाई, ये बाइक मेरे को खरीदे हुए मुझे लग रहा है हो गए होंगे कम से कम 9-10 महीने। दिवाली के टाइम पे मैंने क्या सबने खरीदी थी और 2,10,000 रुपए की ली थी उस टाइम। जिस दिन लेने गए तो उसी दिन रेट बढ़ गए थे उसके 1500-2000 रुपए। पहले 2,08,000 की बोली थी, उसी दिन 2,10,000 की थी। हम गए डिस्काउंट लेने, उल्टा बढ़ा दी प्राइस 2,10,000 की ली। तो इसमें और भी गाड़ियाँ आती है जैसे KTM हो गई, ड्यूक हो गई। नहीं, KTM की ड्यूक तो नहीं, RC हो गई KTM की और RS 200 भी हो गई। तो देखो इससे पहले ना मैं RS 200 को ऑन करता था, आपको मालूम है रेड कलर मेरे पास। बट उसके अंदर ना बहुत ज्यादा दिक्कतें आ रही थी, रोज आए दिन कुछ ना कुछ, कभी क्लच प्लेट फूक रही है, कभी क्या कहते हैं अलॉय बैंड हो जा रहा है, कभी हैंडल में दिक्कत है। तो मेरे ना सरदर्दी बन गई थी यार। आप ही कुछ सोचो, जैसे मान लो आप बाइक लो, अब आपको चलो सर्विस आती है 5,000 किलोमीटर पे तो एक बार चले गए सर्विस सेंटर। अब आप रोज के रोज चक्कर लगा रहे हो, रोज जा रहे हो सर ये कर दो वो कर दो, और वो लोग सुनते भी नहीं है बजाज वाले। उससे तो मेरा बहुत बेकार एक्सपीरियंस था। तो फिर मैंने उस बाइक को सेल कर दिया। सेल क्या कर दिया था, उसी के साथ साथ खरीद ली थी इसे, फिर बाद में मैंने उसे सेल कर दिया। अब फाइनली फिलहाल ये है। और KTM का रहा बात, KTM का तो पता नहीं, को मन में से ना ऐसा था कि बजाज की बाइक है, KTM के इंजन उसमें भी यूज होते हैं, कहीं उसमें भी प्रॉब्लम आ गई। और KTM फैन बॉय हूं नहीं मैं कोई, मतलब एकदम KTM ही चाहिए। तो इस वजह से मैंने R15 ही फाइनल कर दिया। तो अभी R15 चलाने में आपको कोई दिक्कत नहीं, जैसे कमर में दर्द वगैरह होती है बोलते हैं लोग इसको चलाने में? हाँ, शुरू जब मैं नई लेकर के आया था, पहले तो देखो जब मैं इस बाइक को लेने की सोच रहा था ना, मेरे दिमाग में बहुत क्वेश्चन थे, हद से ज्यादा क्वेश्चन थे। अभी यार कमर में दर्द होगा, लॉन्ग टूर पे कहीं जाना पड़ गया तो हालत खराब हो जाएगी, और क्या कहते हैं, मतलब बहुत सारी चीजें थी कि सीट कम्फर्ट नहीं होगा, थोड़ा हेल्दी भी हूँ मैं, तो इस वजह से मुझे सारी चीजें देखनी पड़ी। बट जब मैं शुरू में लाया 10-15 दिन, थोड़ा सा कलाइयों में दर्द, थोड़ा सा कमर में दर्द, उसके बाद फिर आदत सी हो गई। अब तो मजा आता है। अच्छा, और एक चीज मेरा ये आपसे एक क्वेश्चन है कि जैसे पीछे बैठ के एक बंदे को चलाओ तो कैसा है? देखो भाई ये बाइक ना 150 cc के अंदर आई जरूर है, मगर मेरा मानना यह है, देखो 200 cc 200 cc है और 150 cc 150 cc है। ये मैं मानता हूँ ये हरा देती है, मतलब टॉप एंड में अगर आप करो RC को हो गया, जो पुरानी वाली, अब तो नई वाली शायद ना हरा पाई है, और जो RS थी उसमें भी क्या कहते हैं लिमिटर थी, तो उसकी वजह से क्या है ये ना बीट कर देती थी आराम से, 155 आराम से लग जाती है इसकी। बट यहाँ पर पता है प्रॉब्लम क्या है, जैसे मान लो अगर दो बंदे बिठा करके चलोगे ना तो थोड़ा सा ऐसा लगता है, हम लोगों को दब के चलती है, थोड़ा सा ऐसा लगता है कि मतलब दब के चल रही है बाइक, में थोड़ा पावर कम सा है। और 150 cc है तो ऑब्वियस सी बात है कि, और पीछे बैठाने के बाद उतना मजा भी नहीं आता होगा, क्योंकि पीछे वाला बंदा खराब करता है कंट्रोलिंग भी, और वो आपके ऊपर ही रहेगा वो। मेरे साथ भी ऐसा ही होता है। तो अब मुझे ये बताओ तीसरी चीज कि इसमें कमियां क्या क्या हैं इस गाड़ी में? देखो यार ऐसे अगर मैं बोलूँ ना तो देखो बाइक तो वैसे परफेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई इश्यू जल्दी नहीं आता बाइक के अंदर। बट इसके अंदर कुछ प्रॉब्लम जैसे कि मतलब ऐसा लगता है ना, एक तो इंजन से थोड़ा सा रिलेटेड लगता है कि हाँ थोड़ा सा पावर जो है कम है। ठीक है 150 cc है कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा मुझे वहाँ पे पावर कम लगता है। और उसके अलावा अगर कुछ बात करोगे तो कुछ खास ऐसी चीज़ें नहीं है कि जो मुझे बहुत बेकार लगती है, ऑलमोस्ट सब सारी चीज़ें जो हैं ठीक है। बस यही है कि जब बस यही है कि दो बंदे बिठा करके लेकर के जाओगे ना थोड़ा सा पावर मजा खत्म है, और पावर मतलब पूरा खत्म नहीं, लेकिन फिर भी थोड़ा सा ऐसा फील दिलाती है कि थोड़ा सा इसके अंदर पावर जो है वो होना चाहिए था। उसके अलावा सच मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं आई है। एक चीज थोड़ी सी प्रॉब्लम पता है इस बाइक में क्या आती है, इसके अंदर ना इसकी चीजें बड़ी जल्दी ढीली हो जाती है भाई। अच्छा। जैसे ये ब्रेक लीवर देख रहे हो आप, खैर देखो मैं वहाँ पे गया था, क्या कहते हैं मनाली गया, हाँ नहीं मनाली गया हुआ था, तो मैं ये वाली मेरी बाइक का एक्सीडेंट हो रखा था, तो ये शोरूम में थी तो मैं उसकी लेके गया था अल्ताफ वाली। तो हुआ क्या कि ये जो चीजें देख रहे हो ना, ये पूरा का पूरा भाई एकदम ढीला, मतलब एकदम अपना पूरा लूज ऐसा लग रहा था, ऐसे गिर जाएगा, हाँ निकल के गिर जाएगा। आप नहीं थे इस बार, तो क्या कहते हैं ये चीज कमी है। फिर उसके बाद एक चीज और जो ढीली हो जाती है इसकी, देखो ये देखो ये जो चीज है ना क्लच नहीं, ये पता नहीं ये यहाँ से पूरा नट देखो अभी भी ढीला ही हो रखा है। तो ये चीज पता नहीं क्यों इतनी जल्दी, जैसे आप देख रहे हो कि ये चीज देखो हिल रही है ना, ये मतलब चीजों ना मतलब हिलने सी लगती है, बस ये कमी हिलने से हो जाते हैं। ये थोड़ी सी मुझे प्रॉब्लम लगी, सबको में भी शायद ना फेस करने को मिले बट मुझे लगी। और टायर वगैरह कैसे हैं इसके? देखो टायर में तो नो डाउट एक नंबर है, आगे 100 सेक्शन मिल जाता है, पीछे 140, अच्छा खासा चौड़ा टायर है, लीन वीन करने में कोई भी दिक्कत कोई दिक्कत नहीं, जितनी मर्जी, बस वो ये बंदे के अंदर एक कॉन्फिडेंस होना चाहिए भाई मैं लीन कर लूंगा, जाएगी नहीं बाइक कहीं पे भी। ये बताइए मुझे इसकी हैंडलिंग कैसी है? हैंडलिंग तो देखो भाई एक नंबर है इस बाइक की, हैंडलिंग के मामले में तो भाई मतलब टॉप नॉच में यूं कहूंगा, मतलब जैसे लाइक अगर आप मान लो एक हाईवे पे चल रहे हो, 4 लेन का हाईवे है,
सपोज करो सबसे एंड वाले में चल रहे हो और आपको एकदम से ना लेफ्ट साइड आना है भाई, पता ही नहीं लगेगा, एक सेकंड में बाइक जो है ना इधर से इधर आ जाती है, मतलब कटिंग वगैरह कटिंग वटिंग एक नंबर है। मगर जो स्टेबिलिटी, जैसा आपने बोला है कि स्टेबिलिटी के बारे में, तो वहां पर पता है क्या है, बाइक है हल्की 150 सीसी के हिसाब से। हम गए थे मनाली वाले रोड पे, बारिश हो रही थी, अंधा, बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी और हवा चली थी बहुत ज्यादा तेज। हम इस बाइक को लेकर के गए, हम सीधे सीधे बिल्कुल चले थे मुरसल वाला रास्ता भी गए, तो उस पे हाईवे पे चढ़े हम सीधे जा रहे हैं और जो हवा आ रही थी ना भाई, ये बाइक स्टेबल नहीं थी, उसमें डिसबैलेंस मतलब हवा का, मतलब मैं मानता हूँ और बाइक में होता है, बट इसका वजन कुछ ज्यादा ही कम है ना, तो ये बाइक एक तरफ हवा में मतलब फेंक रही थी। जैसे मान लो मेरे को राइट जाना है तो मुझे बहुत एफर्ट लगाना पड़ रहा था, बट वही अगर मुझे लेफ्ट आ रहा था ना, हवा अपने आप इतनी जल्दी फेंक दे रही थी कि मैं इधर आ जा रहा था। ये चीज थी थोड़ी इसके साथ। कैसी है सीट, कंफर्ट है कि नहीं है इसकी? देखो भाई, सीट कंफर्ट के बारे में बात करी जाए तो एज अ राइडर हमेशा राइडर ही बन के चलाता हूँ, बैठा भी हूँ ऐसा नहीं है, बट राइडिंग के हिसाब से देखोगे ना, दर्द वर्द तो मुझे नहीं हुआ आज तक, नहीं हुआ। एक होता है ना कि मतलब दर्द हो गया, एक होता है कि मतलब एक हो गया कि क्या कहते हैं, काफी ज्यादा दर्द होता है, थोड़ा सा ज्यादा बैठ करके बाइक को चला लो, बट इस सीट में मुझे कभी भी नहीं हुआ। ये जो सीट है ना, इसमें होता है, ये तो ऐसी है, गुड़गोबर है भाई इसमें, ऐसे लगता है पहाड़ पे है, बहुत बेकार है ये। पहाड़ पे से भी फर्क नहीं है, अपने तो लौंडे लफाड़े हैं तो बैठ जाते हैं, मगर दर्द जो है ना 10 किलोमीटर में ऐसा लगेगा बम बोल जाएंगे। अब भाई इसका इंजन वाइब रेसिंग और गेयरिंग कैसा है? अरे भाई यामाहा की चीज है भाई ये तो, मतलब इंजन तो ऐसा है ना कि मतलब बहुत स्मूथ है। जब मैं शुरू देखो थोड़ा सा अपने साथ क्या ना, हम चलाते हार्श, मतलब जैसी बाइक स्टार्ट होगी जाएगी 11,000 RPM सीधा, पहले गियर में दूसरे गियर में 11,000 RPM चली जाती है, सीधा चली जाती है। तो इसमें क्या है कि थोड़ा सा वाइब्रेशन जो है ना, थोड़ा ये तो देखो हम लोग थोड़ा कभी कभार आफ्टर मार्केट करा लेते हैं, तो एक नट यहाँ का ढीला रह जाता है, एक नट नहीं लगाता, तो उस वजह से थोड़ी बहुत वाइब्रेशन जो है वो है। अदरवाइज इंजन वाइज मैं बोलूँ तो मतलब ठीक है, बहुत ज्यादा हाई RPM पे जाएंगे 10,000-11,000 RPM पे जाएंगे जब जाकर थोड़ी वाइब्रेशन जो है वो है फील होती है। बाकी गियरिंग तो एक नंबर है भाई, कुछ शिफ्टर बाइक में आता ही है, अटकते अटकते तो कभी नहीं अटकता भाई, कभी भी नहीं। हाँ शिफ्टर बढ़िया काम करता है, एक नंबर भाई। मतलब लाइक जैसे कि मैं चल रहा हूँ, मेरे को सेकंड गियर लगाना ना, लग गया पता नहीं लगेगा कि बाइक में सेकंड। अच्छा, जैसे गियर तो आप क्लच वगैरह उतारने के लिए क्लच दबाना पड़ता है? उतारने के लिए देखो इसमें ऑटो ब्लीपर नहीं आता, सिर्फ क्विक शिफ्टर है, तो क्विक शिफ्टर का काम होता है बस नॉर्मली आपका। और मोड वगैरह है कुछ क्या चीज? हाँ मोड तो भाई इसमें क्या नहीं है, क्विक शिफ्टर मिल जाता है, TCS मिल जाता है मोड में, बस भाई ये देखो हम इधर मीटर में दिखाता हूँ आपको, मैं चाबी लगाऊं मीटर में। भाई पता है क्या है, जैसे मोड मीटर में पता है क्या है, जैसे मोड्स हैं, ये आपको मोड्स मिलते हैं, ये दिखाता हूँ मैं आपको, ये रहा ट्रैक मोड। तो अभी जो ट्रैक मोड मिलता है ना, तो इसमें क्या है, जैसे बस ये ना थीम चेंज हो जाती है, लाइक जैसे ये अभी एक से स्टार्ट दिखा रहा है, तो जब मैं ट्रैक मोड लगा दूँ ना, तो उसमें मेरे लैप टाइमिंग या फिर जो भी चीजें रहेंगी वो चीज बता देगी। लाइक जैसे मैं सेलेक्ट कर लेता हूँ, देखना अभी चेंज हो गया ना इंटरफेस, अभी 6,000 RPM से शुरू होगा, बाकी जो भी चीजें रहेंगी वो सब रिकॉर्ड हो जाएंगी, अभी मेरा लास्ट लैप बता देगा, लैप टाइमिंग। तो ये सारी चीजें हैं इसके अंदर, फीचर वाइज तो कोई भी कमी नहीं है। हजार तो आता ही है, ये बेस्ट फीचर है भाई, मुझे लग रहा है 300-400 CC में नहीं आता इसमें, इसमें दे रखा कंपनी से, कंपनी से सबसे बड़ी बात कंपनी से, क्योंकि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जो अपनी बाइक को ना जल्दी बाहर नहीं छुड़वाना पसंद करते, वो चाहते ही कंपनी का काम है, तो कंपनी आपको ऑफर करती है, बाहर से करते हैं तो तार वार हो गया, गड़बड़ी वगैरह, तार फिर टेंशन हो जाती है बंदे को, तो उस चीज के लिए बेस्ट है मेरे हिसाब से। ये तो माइलेज क्या है इसकी? माइलेज देखो भाई, माइलेज देखो मुझे जो मिल रही है 30-35 मिल रही है, क्योंकि मैंने लगा रखा है इसके अंदर, देखो फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, ये आपका फुल सिस्टम एग्जॉस्ट, कौन सा एकरा? हाँ ये एकरा पॉविक का है, तो ये मैंने फुल सिस्टम एग्जॉस्ट लगा रखा है। ओरिजिनल है? अरे एक ओरिजिनल लगवाएंगे इसमें मर जाएंगे, 1-1.5 लाख रुपए तो यही होगा है नहीं, अब इन फ्यूचर का भी सुपर बाइक अगर। साउंड कैसा है एक बार मेरे? हाँ, साउंड सुना देता हूँ मैं आपको, गाइस को साउंड सुनाओ, आपके गाइस को साउंड जरूर सुनाएंगे। भाई एक मिनट चुप हो जाना, एक सेकंड सुनो, भाई एक नंबर, कान एकदम वाइब्रेशन हो गया मेरे, तो कान में भी खुजली सी हो गई है, मैं थोड़ा सा इरिटेट हो जाता हूँ, मतलब जैसे मतलब ज्यादा लॉन्ग रूट पे चलाते चलाते इंटरकॉम में गाने नहीं सुनने देती ढंग से, किसी का फोन आ जाता तो बाइक रोकनी पड़ती है, बट वैसे मजा आता होगा, मतलब बोर बंदों को चमकाने के लिए। अगर मैं इस रोड से लेके निकल जाऊँ ना फुल स्पीड में, ऐसा कोई बंदा नहीं जो पीछे, जैसे अभी स्कूल के टाइम से हम आ रहे थे भाई, तो सब मुड़ के देखते, सब मुड़ के देखते भाई कौन सी जहाज जा रही है तो ये इंडिकेटर आपने आफ्टर मार्केट लगाए? ये तो भाई सबसे बड़ी कमी यामाहा की मुझे लगती है, जो स्टॉक इंडिकेटर्स आते हैं ना मुझे सबसे बुरे लगते हैं, उसमें क्या है बाहर निकल, मुझे भी तो जैसे मान लो अगर आप किसी नैरो सी जगह से निकल रहे हो, तो अगर इस पे इंडिकेटर लगता है ना तुरंत निकल जाता है, उसके अलावा क्या है जैसे मान लो हाई स्पीड में चला रहे हो तो ढीले पड़ जाते हैं, इस
वजह से मैंने ये वाले इंडिकेटर लगा दिए। और ये अच्छे भी लगते हैं, ये थोड़े बॉडी से इंटीग्रेटेड ना, पता नहीं लगता। देखो इतने में बॉडी में खत्म, और वो रहते तो कम से कम इतने बार में। जैसे R1 में भी मेरे ख्याल से ऐसे इंडिकेटर आते हैं या वो ही वाले आते हैं जो? नहीं, उसमें तो शायद LED आता। खैर, लेकिन यामाहा ने अब आपके लिए एक ऑप्शन कर दिया है। जैसे मान लो आपको हैलोजन वाले पसंद नहीं है, तो आप 2000 रुपये या पता नहीं 2500 रुपये दो और आपके क्या कहते हैं चारों इंडिकेटर जो है वो लग जाएंगे, जो LED वाले आते हैं। वो मुझे अच्छे लगते हैं, बट अब मेरे में टेल टाइड ही नहीं है, तो फिर मेरे को लगवाने की जरूरत ही नहीं है ये चीज़। तो आप मेरे को आप बताइए इसकी ब्रेकिंग कैसी है? यार ब्रेकिंग देखो, जब शुरू में ये बाइक आई थी ना, मेरी बाइक के साथ पता नहीं क्या है, मुझे तो गुस्सा आने लगा है अभी कुछ 10-15 दिन से मैं कहूँ ना, तो पता नहीं क्यों अजीब सी ब्रेकिंग काम कर रही है। देखो पिछली ब्रेक तो उसकी ना एकदम, मतलब क्या ही बोलूँ, खस्सी सी लगती है। पूरी ब्रेक भी दबा दोगे ना सिग्नल, तो बाइक ना ऐसा लगता है कि मतलब कुछ रिस्पॉन्स नहीं खाई। ठीक है धीरे होती है, बट उतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। आगे का तो ठीक है, फिर भी पीछे में थोड़ी दिक्कत है। हाँ, पीछे में मुझे लगता है, पता नहीं, उस कुछ दोस्तों की चलाता तो सही लगती है, अपनी चलाता तो नहीं लगती है, पता नहीं क्या। नहीं भाई ऐसा है, सबको अपनी गाड़ियों में कुछ ना कुछ कमी लगती है। मेरे को भी अपनी गाड़ी में ऐसा लगता है कि मेरी गाड़ी में भी भाई औरों के मुकाबले मेरी गाड़ी में कुछ ना कुछ कमी है। तो ये गाड़ी की नहीं है, हमारी दिक्कत है कि हमें दूसरों की गाड़ी चलाने में मजा आता है, अपनी गाड़ी चलाने में ऐसा लगता है कि भाई हमारी गाड़ी में कमी है। सही बात है भाई। हाँ अच्छा भाई, तो आपने कभी लॉन्ग टूर मारा है? अभी आप जैसे कि बता रहे थे आप मनाली उनाली गए हो, तो वहाँ पे कैसा रिस्पॉन्स है ऑफ रोडिंग वगैरह? लेकर के गया था, लेके गया था मैं ब्लैक वाली जो वो मतलब है तो R15। हाँ वो है तो R15 भी सेम बिल्कुल। तो उसमें क्या था ना, हम लोग यहाँ से चले तो गए, लेकिन थोड़ा सा ये था कि 200-300 किलोमीटर जब हमने बाइक खींची ना, लगभग 100 यही चल रहे थे, 100 किलोमीटर खींची फिर रुक गए 100 किलोमीटर। तो मेन जैसे हाई, जब हम हाई उस पे थे ना पहाड़ों में, वहां तो मजा आ रहा था क्योंकि लीन करने को मिल रही थी, तो हर मोड़ पे मतलब दिमाग था रोड पे, तो थकान महसूस ही नहीं हुई कि हम थके हैं। बट जब हम खाली रोड पे चल रहे थे या ऑफ रोडिंग पे चल रहे थे ना भाई, हमारी हालत खराब हो गई थी। मतलब एक पैच आया था बीच में, बहुत ज्यादा खराब था, मतलब पत्थर ऐसी कीचड़ वीचड़ पड़ी हुई, ऑफ रोडिंग टाइप। हाँ ऑफ रोडिंग टाइप ही कह सकते हो। ये जो हाथ है ना भाई, कलाइयां, ये भाई साहब बोल गई थी, एकदम हालत खराब हो गई। ये कंधे और ये थोड़ी सी कमर, थोड़ा सा ऐसा मतलब ऑफ रोडिंग के मामले ठीक नहीं है ये है। जैसा हमने वही मैंने बोला ना, देखो 150 cc है ना, पहाड़ों में इसने फील दिला दिया कि हाँ ये सच में 150 cc है। मतलब हम लोगों को अगर किसी खड़ी चढ़ाई पे अगर एकदम चढ़ना है, मान लो सपोज करो ऐसे करके घूम गए पहाड़ी, तो भाई पहले गियर से ये बाइक दूसरा गियर मानने को राजी नहीं थी। जब पहले गियर में, पहले गियर में जब तक पूरा, वो भी फुल थ्रॉटल पे जब तक ना खींचे, तो वो दूसरा गियर लगाते दम तोड़ देती होगी, खत्म। ऐसा लग रहा था कि इसकी तो नानी मर जाएगी। तो क्या उसमें बंद हो जाती है या फिर बंद नहीं होती? चलने को तो स्प्लेंडर भी चली जाती है, मगर एक जो होता है ना फील फैक्टर होता है, जैसे हम नॉर्मली रोड पे भगाओ तो एकदम फुर फुर भग रही है, बट वहाँ पहाड़ों में इसके अंदर स्ट्रेस पड़ रहा था, ऐसा लग रहा था कि हाँ 150 cc इंजन छोटा है कहीं ना कहीं। ये चीज हमें प्रॉब्लम फेस करने को मिली। जैसे कि मेरे ख्याल से इतनी यमा ने स्पोर्ट्स बाइक दी, इतना बढ़िया हैवी लुक भी दिया, थोड़ा कम से कम इसको 200 cc तक तो कर देना चाहिए था। अब देखो इंजन को अपडेट नहीं किया उन्होंने। देखो वो आपकी बात सही है, बट इसका कॉन्सेप्ट ही कुछ इस टाइप का है, शुरू से R15 के नाम से आ रही है, मतलब जो आपकी पुरानी वाली वर्जन 2 आती थी, वर्जन 1 आती थी, तो उसका अपडेट लेकर के आए। मे भी शायद इन फ्यूचर ये 200 cc कर दे, अगर कर दे तो भाई मेरे तो मजे आ जाएंगे, मैं तो बेच बाज के ले लूंगा इसको। और इसका लुक भी एकदम R1 जैसा दे रखा है, एकदम जैसे देख रखे हो। मुझे लगता है कि 400 cc तक कोई भी बाइक ऐसी नहीं है जो इस बाइक को बीट कर सकती लुक में, इससे भी नहीं लुक में। लुक्स में तो भाई बंदे खरीदते ही लुक्स के लिए, ये तो मतलब लुक्स तो एक ऐसा है। और मैं आजकल देख रहा हूँ कि लोग ज्यादातर R15 ही खरीद रहे। मैंने जैसे कई चैनलों YouTube वगैरह पे देखा, कई लोगों से भी पूछा, तो वो कहते हैं भाई R15 भी आजकल लोग परचेज ज्यादा कर रहे हैं। उसका माइलेज का भी है, जैसे अब इसमें VVA टेक्नोलॉजी आती है, तो मान लो अगर आप 6000 RPM के अंदर चला रहे हो तो आपको माइलेज भी अच्छा मिल जाता है। तो देखो स्पोर्ट्स बाइक के साथ होता क्या है, मान लो अगर आप स्पोर्ट्स बाइक चला रहे हो तो या तो माइलेज मिल जाए ले लो, या तो परफॉर्मेंस ले लो। परफॉर्मेंस मिलेगी तो माइलेज नहीं मिलेगी, माइलेज मिलेगी तो परफॉर्मेंस नहीं मिलेगी। पर ये उन दोनों चीजों को थोड़ा सा दोनों को फिगर आउट कर देती है कि हाँ माइलेज भी ठीक मिल जाती है और परफॉर्मेंस भी आपको सही मिल जाती है। अच्छा तो सस्पेंशन कैसा है इसका? सस्पेंशन में तो भाई एक नंबर है, सस्पेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। फ्रंट में USD फोक्स मिल जाते हैं, एस जो हम लोग की बहुत ज्यादा V3 में डिमांड थी, अरे USD दो, तो पूरे गोल्डन कलर के USD मिल जाते हैं। अच्छा भी लग रहा है। हाँ लुक वाइज भी बहुत अच्छा लगता है, और पर्सनली जो मैंने अभी तक यूज किया बाइक को, तो सस्पेंशन में मुझे कोई दिक्कत नहीं है कि झटकाउट का मुझे महसूस होता है, ऐसा कुछ भी नहीं होता, चाहे पीछे का हो चाहे आगे का। पीछे का तो सिंगल है ना? हाँ पीछे का मतलब वो मोनोशॉक एब्जॉर्बर है ना, तो उससे कोई दिक्कत नहीं, चाहे आप राइडर बैठ के जाओ पिलियन, कोई झटका वटका महसूस नहीं होता उतना कुछ खास। यही है ना? हाँ ये जो येलो कलर का है पूरा ये है, तो इसमें मुझे कोई झटका उटका कुछ भी महसूस नहीं होता। ये मुझे जरा इसके मिरर के बारे में बताएंगे कि ये मतलब साइड वाइड सही दिखाते हैं कि नहीं? मिरर्स में कोई दिक्कत? बाकी सबसे बेस्ट चीज पता है मुझे इस मिरर्स की क्या लगती है,
बंद, जैसे ये खुले हुए हैं, ये गए आप ट्रैफिक में, इसको तो आपने बंद कर लो। सबसे बेस्ट है मेरे को, देखो आरएस में तो सबसे बेकार थे, उसमें तो ऐसे डंडी सी खड़ी कर, हाँ अजीब से लगते हैं वो, तितली जैसे। और आरसी का जो है वो ठीक है, अच्छा बनाया, बट मुझे पर्सनली उतना कुछ खास अच्छा लगता, मुझे बहुत ज्यादा ऐसा लगता है बाहर बाहर सा है। तो मेरे ख्याल से आरसी के भी तो बैंड हो जाते होंगे, हो जाते हैं, उसके लिए मुझे उतना लुक वाइज उतना अच्छा लगता, बट ये बढ़िया, ये एडजस्ट हो जाते हैं एकदम परफेक्ट। भाई आपने कोई इसमें मॉडिफिकेशन वगैरह करवा रखी है आफ्टर मार्केट कुछ? हाँ, लगवाया हो? थोड़ी बहुत चीजें लगा रखी है, फर्स्ट ये इंडिकेटर हो गए, हाँ। जो आफ्टर मार्केट लगवाए हैं, यहाँ से मैं आपको एक और चीज दिखाता हूँ, ये मैंने रेडिएटर ग्रिल भी लगवा रखी है इसके अंदर, क्योंकि जब हम मनाली वनाली जाने की सोच रहे थे ना, अच्छा, तो मैंने बोला कि मान लो पत्थर वत्थर उड़ के रेडिएटर में लगेगा तो फिर काम हो जाएगा खत्म, क्योंकि ये अगर गया तो सीधा 4-5 हजार से तो नीचे लगभग यही, जैसे आप देख सकते हो रेडिएटर पूरा ही चेंज होगा, ऊपर लगा हुआ है R15 की ब्रांडिंग में, तो वो चीज है। और बाइक को मैंने पूरा लेमिनेट करवा रखा है, लेमिनेशन करवा रखी है, थोड़ी सी थोड़ी फट रही है क्योंकि टाइम हो गया। देखो भाई सिद्धू मूसे वाले के फैन है, बहुत बड़े बिग फैन, भाई डाई हार्ड फैन, डाई हार्ड फैन। तो ये चीज मैंने इसमें करवा रखी है, और फिल्टर फुल सिस्टम एग्जॉस्ट को लगवाई है, एग्जॉस्ट लगवा रखा है, आवाज सुनाई दी भाई ने आपको सबसे पहले। और यहाँ पर मैंने देखो वो जो इंडिकेटर, यहाँ पर जो इंडिकेटर का पंगा था ना, कि इंडिकेटर जो इधर ऐसे स्टॉप लगते थे तो वो मुझे बहुत बुरे लगते थे, तो मैंने यहाँ पर KTM RC के अंदर जो, अच्छा भाई ये जो है इसके नीचे ये भी जलते हैं या? नहीं नहीं ये नहीं जलता, सिर्फ ये लाइट। अरे इसको पता क्या, वो इंश्योरेंस में गई ना, तो उस बंदे ने ना इसको उल्टा कर दिया है, मतलब अच्छा, ये ऊपर यहाँ लगनी थी और वो ऊपर रहनी चाहिए थी, ये नीचे रहनी चाहिए थी, अच्छा, उन्होंने उल्टा लगा दिया, कभी टाइम मिलेगा तो। ये तो है, और बाकी एक टेल टाइडी लगवा रखी मैंने, अच्छी लग रही है, यही है। ठीक है, तो भाई इसी के साथ अपनी वीडियो का करते हैं एंड, साकिब भाई को करते हैं बाय बाय। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।